हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इन बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो गुरुवार को मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हुए थे। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी सीरियल इंडस्ट्री और तो और वेब इंडस्ट्रीज के कुछ बड़े स्टार्स मौजूद थे। कौन थे अचीवर्स, उनकी लिस्ट हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सका उतना शेयर कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है और किसे दिया जाता है। दादा साहिब को भारतीय सिनेमा का गुरु कहा जाता है। उन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राधा हरिश्चंद्र बनाई थी। पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा को एक पहचान दिलाई थी दादा साहिब ने। साल 1969 में भारत सरकार द्वारा दादा साहिब के भारतीय सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करते हुए इस अवार्ड की शुरुआत हुई। इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड में ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए बेस्ट एक्टर में सम्मानित किया गया। वहीं साथ में विकास बहल के निर्देशन में बनी सुपर 30 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। आपको बता दें कि फिल्म सुपर 30 में ऋतिक के बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार की भूमिका निभाई थी। अवार्ड सेरेमनी में किच्चा सुदीप को बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का खिताब मिला। तो वहीं बेस्ट टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और बेस्ट टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा को चुना गया। दिया मिर्जा को उनकी वेब सीरीज काफिर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब का अवार्ड मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फीमेल की कैटेगरी में अरमान मलिक और तुलसी कुमार को सम्मानित किया। दादा साहेब अवार्ड से पहले सम्मानित हो चुके अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, गुलजार, आशा भोसले जैसे बड़े कलाकार हैं। अवार्ड फंक्शन में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का भी जलवा देखने को मिला। बिग बॉस के 13वें सीजन को बेस्ट रियलिटी शो का अवार्ड मिला। तो वहीं सीजन 13 की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा को मोस्ट फैशनेबल बिग बॉस कंटेस्टेंट का अवार्ड मिला। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।